मामला है यूपी की रायबरेली का, जहां बुधवार को रायबरेली के जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब जिलाधिकारी अचानक से अस्पताल पहुंच गए। अचानक डीएम को देख अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने पुरुष व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्हें अस्पताल की साफ सफाई से लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण बंद अल्ट्रासाउंड के जल्द ही शुरू करवाने का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल में लाव लश्कर के साथ औचक निरीक्षण कर रहे ये जिले के डीएम वैभव श्रीवास्तव, जो आज अचानक से अस्पताल पहुंचे, जिलाधिकारी को सामने देख स्वास्थ्य कर्मियों के सांस ऊपर से ऊपर व नीचे से नीचे हो। अस्पताल पहुंचे डीएम ने सफाई से लेकर इलाज के विषय में जानकारी। गनीमत ये रही कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। जिलाधिकारी के वहां से रवाना होते अस्पताल कर्मियों ने राहत की सांस ली। यूपी के रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या हाल? जिला स्तर और जिला महिला स्तर में निरीक्षण किया है और अगर कुछ कमियां तो दूर करने के लिए कहा गया है और ओवरऑल डॉक्टर की प्रेजेंस की और जो भी यहां पर लोग आ रहे थे उनसे फीडबैक लिया गया, सभी को इलाज मिल रहा है। साफ सफाई की समस्या कुछ क्लियर हो गई है। सर महिला में अभी तक जो एक्सरे का हुआ अभी तक चालू नहीं हुआ, क्या है एक्सरे का, क्या चालू नहीं हुआ? एक्सरे अभी नहीं हो रहा है महिला के लिए, इसको मैं देख लेता हूँ। अभी मेरी जानकारी भी किसी ने बताया नहीं था, चेक करवा। थैंक यू।